इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको अपने IQ जेड 6 लाइट 5 में एक सेटिंग मिल रहा है यूज वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट का, तो इस सेटिंग को आप कैसे सेट कर सकते हैं और इसका क्या यूज होता है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको जाना है IQ जेड 6 लाइट 5G मोबाइल फोन के सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद नीचे आना है। नीचे आने पर आपको एक ऑप्शन मिलता है साउंड एंड वाइब्रेशन का, इस पर क्लिक करना है। इसमें ये यूज वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट का ऑप्शन मिलता है, इस पर क्लिक करेंगे। बाय डिफॉल्ट आपके फ़ोन में मीडिया सेलेक्ट होगा, या अगर आप मीडिया को सेलेक्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि आपके फ़ोन में जो दोस्तों वॉल्यूम अप और डाउन बटन होता है, तो जब आप अपने वॉल्यूम अप बटन को दबाएंगे तो आपके फ़ोन के मीडिया का आवाज़ ज़्यादा होगा, और वॉल्यूम डाउन बटन को दबाएंगे तो आपके फ़ोन का मीडिया का आवाज़ कम होगा। आप देख सकते हैं कम हो रहा है, मतलब आपके फ़ोन का जो वीडियो या गाना का आवाज़ होता है वो कम और ज़्यादा होगा जब आपका यूज वॉल्यूम बटन टू एडजस्ट में मीडिया सेलेक्ट रहेगा तो। और अगर आप रिंगटोन को सेलेक्ट कर देंगे तो इससे क्या होगा कि दोस्तों वॉल्यूम अप बटन दबाने पर आपका रिंगटोन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और वॉल्यूम डाउन बटन दबाएंगे तो आपका रिंगटोन का वॉल्यूम कम होगा। मतलब अब आपका जो है रिंगटोन का वॉल्यूम कम और ज़्यादा होगा जब आप वॉल्यूम अप और डाउन बटन को दबाएंगे तो। तो इस तरीके से आप दोस्तों इस सेटिंग को सेट करके यूज कर सकते हैं अपने IQ जेड 6 लाइट 5G में। वीडियो पसंद आया है लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा।